नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन में सर्दी का असर बरकरार, पूरे मध्य प्रदेश सहित रायसेन में भी सर्दी अपना विकराल रूप दिखा रही है। अधिक सर्दी पड़ने से दिन में भी कोहरा छाया रहता है। कुछ दिन पूर्व बरसात हुई थी जिससे सर्दी तथा ठिठुरन बढ़ गई है। लोग दिन में ही अलाव तापने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं सर्दी जुकाम के मरीज भी बढ़ रहे हैं, लेकिन ऊनी वस्त्रों की बिक्री में तेजी आई है जिससे ऊनी वस्त्र बेचने वाले विक्रेता होते हैं। सर्दी की विकरालता को देखते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा स्कूलों का समय भी प्रातः 10 बजे से कर दिया गया है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। रायसेन में आज 8 दिन बाद हल्की सी धूप निकली है, अभी भी सर्दी का कहर जारी है और यहाँ पर विजिबिलिटी भी बहुत कम जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी सर्दी और पड़ेगी, आने वाले दिनों में यहाँ पे पानी की संभावना भी है और पहले भी पानी गिर चुका है और आगे भी पानी गिरेगा। पानी गिरने के बाद अभी सर्दी और बढ़ना है। अभी हमने देखा कि कई लोग दिन में भी अलाव जलाकर अपने हाथ सेक रहे हैं और सर्दी से काफ़ी परेशान हैं। अभी हम यहाँ कुछ लोगों से बात कर रहे हैं कि उस पर सर्दी का कितना असर हो रहा है और उनका कामकाज कितना प्रभावित हो रहा है। हमारे साथ एक युवा खड़े हुए हैं, हम इनसे पूछेंगे कितना प्रभावित हो रहा है आपका काम। अभी सर्दी की वजह से हमें मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि अब हमें मेडिकल पे वर्क करते हैं तो हमें तो 24/7 ही लगभग काम करना ही पड़ता है, कभी भी पेशेंट आ सकता है। लेकिन अभी ये हो रहा है कि अभी हम अपने ही स्वास्थ्य पे ध्यान में रखना बड़ी मुश्किल से दे पा रहे हैं। जैसे कि कल की डेट में हमारे भाई बीमार पड़ गए थे तो उनका ही जब मतलब प्रोफेशन में ही है, वही लोग अगर बीमार हो जाएंगे फिर बाकी की जनसंख्या का क्या होगा। तो ये बात ही है। युवाओं ने कहा कि देखिए भीषण सर्दी पड़ रही है कि मेडिकल वाले खुद बीमार हो रहे हैं क्योंकि उन्हें 24 घंटे सेवा देना है। मतलब रायसेन में सर्दी का असर बहुत तेज है। रायसेन में क्या पूरे मध्य प्रदेश में सर्दी बहुत तेज है। अब हम और लोगों से पूछेंगे कि सर्दी का उनके सेहत पर क्या असर पड़ रहा है। सर्दी बढ़ने के बाद क्या आपके ऊनी वस्त्रों की बिक्री बढ़ी है? हाँ, अभी जो हफ्ते भर सर्दी पड़ रही है हमारे यहाँ, इससे काफी फर्क पड़ा हमारी दुकानों पे। लगभग 20-30% माल की हमारी बिक्री बढ़ी है। जो माल थोड़ा रुका हुआ था वो भी धीरे धीरे बिकता जा रहा है। कस्टमर कम है लेकिन फिर भी बिक्री चल रही है। थोड़ी सब्जी की वजह से सस्ता पड़ा है मार्केट में। अच्छा, क्या कुछ ऊनी वस्त्रों के रेट बढ़ गए क्या? नहीं, रेट तो वही है, रेट पर कोई अंतर नहीं आया। बल्कि और हम कोशिश कर रहे हैं इतना माल निकल जाए। किसके लिए? अच्छा, सर्दी ज्यादा है क्या? कितने दिन से पड़ रही सर्दी ज्यादा तेज? अभी 15 दिन से ज्यादा पड़ रही। अच्छा,